गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर थर्ड चैप्टर नेम इज ऑन ऑफ अ कंप्यूटर लेट्स लर्न अबाउट स्टार्टिंग अ कंप्यूटर सटिंग डाउन अ कंप्यूटर स्टूडेंट्स इस जो ये आपका चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि आपको कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है और आपको कंप्यूटर कैसे सट डाउन करना है स्टूडेंट यू ऑलरेडी नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन सो फर्स्ट थिंग फॉर द कंप्यूटर इज इलेक्ट्रिसिटी सी हाउ आप ये सब जानते हैं स्टूडेंट्स की कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो सबसे पहले थिंक आती है कि computers के लिए इलेक्ट्रिसिटी uh, कैसे जरूरी है तो अब हम देखते हैं आपके पास uh, uh, कुछ पिक्चर शो की गई हैं, आप उनको देखिए इफ पावर इज ऑफ टीवी इज नॉट वर्किंग जब पावर ऑफ हो जाता है तो कंप्यूटर क्या होता है वो वर्क नहीं करता इट पावर इज ऑन टीवी इज वर्किंग अगर पावर जैसे ही हम ऑन करते हैं तो टीवी क्या करता है वर्किंग स्टार्ट कर देता है टू वर्क ऑन कंप्यूटर वी शुड नो हाउ टू स्टार्टअप एंड सट डाउन कंप्यूटर प्रॉपरली कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी होता है कि कंप्यूटर प्रॉपरली तरीके से कैसे स्टार्ट किया जाता है और कैसे सट डाउन किया जाता है स्टेप टू स्विच ऑन योर कंप्यूटर अब हम क्या पढ़ेंगे कि आपके कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। टू स्विच ऑन द कंप्यूटर टेक द फॉलोइंग स्टेप कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं तो जानते हैं कि कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं स्टेप वन स्विच ऑन मेन पावर सप्लाई सबसे पहले आपको अपनी मेन पावर सप्लाई को स्विच ऑन करना होता है स्टेप टू देन स्विच ऑन द सीपीयू फिर आपको क्या करना होता है अपना सीपीयू स्विच ऑन करना होता है स्टेप थ्री देन स्विच ऑन द सी उसके बाद आपको आ, अपना सीपीयू स्टार्ट करना होता है स्टेप फोर देन स्विच ऑन द मॉनिटर अब आप क्या करेंगे अपने मॉनिटर का स्विच ऑन करेंगे ये हमारा फोर्थ स्टेप है देन स्टेप फाइव नाउ द कंप्यूटर विल डिस्प्ले द फर्स्ट स्क्रीन इट इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप आपको सबसे पहले जो स्क्रीन डिस्प्ले uh, होती है उसे हम क्या बोलते हैं डेस्कटॉप आइए अब आगे जानते हैं द थिन बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार जो आपका डेस्कटॉप होता है उसके बॉटम में एक छोटा सा थिन सा बटन होता है बार होता है सॉरी उसको हम क्या बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं द राउंड बटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार सॉरी टास्क बार इज द स्टार्ट बटन आपके जो के जो डेस्कटॉप पे एक राउंड छोटा सा, सा लेफ्ट में एक बटन होता है डेस्क बार पर टास्क बार पर उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं रिमेंबर द कंप्यूटर वर्क ओनली इन स्विच ऑन पोजिशन आपको ये याद रखना चाहिए कि कंप्यूटर तभी वर्क करेगा जब आपको जब आप उसका स्विच ऑन होगा टू सट डाउन द कंप्यूटर टेक द फॉलोइंग स्टेप अब हम क्या सीखेंगे कि जब हम शर्ट सा, डाउन करते हैं तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं हमें उनको भी फॉलो करना होता है तो जानते हैं कि वो कौन से स्टेप है स्टेप वन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टेस्क बार टास्क बार आपके टास्क बार पर नीचे की तरफ जो बॉटम में एक स्टार्ट बटन होता है उसको आपको क्लिक ऑन करना है स्टेप टू क्लिक ऑन द शट डाउन बटन उसके बाद आपको वहां पर एक सट डाउन बटन होता है उसको क्लिक करना होता है स्टेप थ्री अ मैसेज शोइंग दैट द कंप्यूटर इज सटिंग डाउन विल अपेयर ऑन द स्क्रीन अब आपको एक मैसेज शो uh, होगा उस सटिंग uh, डाउन का स्टेप फोर स्विच ऑफ द मॉनिटर। अब स्टेप फोर में आपको क्या करना है मॉनिटर को स्विच ऑफ करना है स्टेप फाइव स्विच ऑफ द सीपीयू अब आपको क्या करना है सीपीयू को स्विच ऑफ करना है देन स्टेप इन द एंड स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन अब आपको एंड में क्या करना है पावर सप्लाई बटन को स्विच ऑफ करना है रिमेंबर द कंप्यूटर डज नॉट वर्क इन द स्विच ऑफ पोजिशन आपको यह याद रखना होगा कि कंप्यूटर स्विच ऑफ पोजिशन में वर्क नहीं करता है आइए स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा एक कुछ इंपोर्टेंट थिंग्स है वो पढ़ लेते हैं कंप्यूटर ऑल्सो नीड इलेक्ट्रिसिटी टू स्टार्ट कंप्यूटर को स्टार्ट uh, करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की तीखी जरूरत होती है वी मस्ट नो हाउ टू स्टार्ट अप एंड सट डाउन अ कंप्यूटर हमें ये uh, जानना हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है और कैसे सट डाउन होता है यूपीएस मेन अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई सो आई होप सो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड डेट दिस चैप्टर थैंक यू स्टूडेंट